अभी हमारे पास हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सुपरस्टार तनुज महासब्दे अय्यर जी के नाम जानते अच्छा, हैं हमारे सर, साथ हैं। अरे क्या बात है सर, मतलब आपके आपके यहाँ इलाज करवाते वो भी? जी जी, क्या बात है। हेलो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो सर, अभी बात में बात कर रहा था सर से, तो गुरुजी ने बताया कि ग्लोबली इनका नेम हो गया है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी बता रहे कि फ्रंट पे नहीं आना चाहते। तो बेसिकली सर, अय्यर सर, मैं तो अय्यर ही कहूँगा आपको सर, क्या चीज़ आप इलाज करवाने हैं, गुरुजी के बारे में क्या कहना है? मतलब गुरुजी के बारे में, गुरुजी से मिलने के पहले मैं जो था जी, आज उससे बहुत अलग हूँ। पहले जो मेरी प्रॉब्लम्स है, आज मेरी स्किन की तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। खुद मेरे में जो मैंने चेंजेस देखे हैं जी, अगर जो वैसे चेंजेस नहीं आते तो शायद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया होता, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में रहकर उन्होंने जो मेरा इलाज किया और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से, और पूरे ग्लोब ग्लोब दिख रहा ना मेरे इसमें। जी जी, मैंने देखा कि जब दैट टाइम आपकी जो फेस पे थोड़ा ज्यादा था, वो कहीं कहीं निकल के आ रहे हैं। हाँ, तो आप बेसिकली फेस को लेकर इलाज करवा रहे हैं? मैंने फेस को लेकर मेरी पूरा बॉडी का इलाज गुरुजी ने किया। कितने सालों से आप करवा रहे हैं? मुझे कहते कंटिन्यू अभी 3-1 साल तो हो गए। 3 साल? हाँ, लॉकडाउन के बाद से हम रेगुलर है ना गुरुजी, रेगुलर है लॉकडाउन के बाद। मतलब गुरुजी ने आपको चेंज हाँ, कर दिए? हाँ, मुझे कोरोना नहीं होने दिया गुरुजी ने। क्या बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी दवाई दी कि कोरोना मेरे से बहुत दूर दूर से भागते भागते निकल जाता था, मेरे पास आने से डरता था। अच्छा गुरुजी, क्या कुछ जो दवाई मेडिसिन क्या ऐसा चमत्कार है जो इंग्लिश दवाई ठीक नहीं कर पा रहा है गुरुजी ने आपको इतना? इसीलिए तो उनको इंटरनेशनल आयुर्वेदा चार्य कहा जाता है, क्योंकि उनकी दवाइयों में जो दम है, जो पावर, जो शक्ति है, वो इतनी अद्भुत है। क्योंकि गुरुजी का जहाँ सानिध्य रहा है, जहाँ उनका साधना रही है, वो शहरी वो एरिया ही कुछ ऐसा अद्भुत है कि वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वहाँ जाना नहीं चाहता हो, या वहाँ जाके साधना नहीं करता हो, वहाँ जाके सर्च करना नहीं चाहता हो। लेकिन गुरुजी का बचपन से लेके बड़े तक मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा है, उन्होंने भी मुझे बताया। और ख़ासकर हम मध्य प्रदेश के ही, मैं भी इंदौर शहर का हूँ, गुरुजी भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही अद्भुत है जी, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना नहीं, क्या बात, बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे रह के गुरुजी ने उनका जो साधना काल किया, इसलिए आज उनको अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वो जो कोई भी नहीं है, बहुत लोगों ने उनकी उनको टांग पकड़े नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी वहीं के वहीं पर है और आज भी ऊपर ही ऊपर उनका नाम जा रहा है, क्योंकि उनके उनके काम में पावर है, उनके काम में पावर है, उनके इलाज में पावर है, उनकी मेडिसिन में शक्तियाँ हैं जी। गुरु जी एक क्वेश्चन है जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो आ जाते हैं, बेसिकली जो गांव जो निचले होते हैं, जो बड़े बड़े पीड़ित होते हैं, उनके लिए कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे आपके पास, जो उनके भी इलाज हो जाए? जैसे आपने बताया कि कैंसर जैसे बड़े इलाज, जिनके पास जो गरीबी है, उनके पास करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लाखों खर्च होते हैं, तो उन लोगों के लिए कैसे आप उनको कर सकते हैं? नहीं, मैं इसका जवाब मैं दे दूँ? जी हाँ जी जी, गुरु जी है आगे आपके क्या? गुरु जी ने हमेशा छिंदवाड़ा शहर में और छिंदवाड़ा के आसपास के शहर में और मध्य प्रदेश में और बहुत से देशों में उन्होंने एक एक प्लान ही तैयार किया हुआ है। अभी छिंदवाड़ा में फ्री इलाज होता है। क्या बात है, फ्री इलाज 100% निःशुल्क जी, निःशुल्क इलाज होता है और लाइन आप देखेंगे तो बहुत लंबी, लेकिन गुरु जी जब तक अंतिम पेशेंट नहीं आता तब तक वो न तो जल भी ग्रहण नहीं करते, कुछ खाते पीते नहीं है, पहले पूरा इलाज कर देंगे, उनको सारी मेडिसिन पहुँचा देंगे, उसके बाद ही वो वहाँ से अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तब तक नहीं निकलते हैं। तो गुरुजी, तो जो छोटे मोटे आप जो कह रहे हैं ना, तो आजकल तो मल्टीमीडिया का ज़माना है जी, लोग इनके फेसबुक अकाउंट में जा सकते हैं, वहाँ से इनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं जी। गुरुजी एक बार एड्रेस आप बताइए, ताकि जो भी पीड़ित हैं आपके, जो बेसिकली जो गरीब लोग होते हैं, आपके पास पहुँच सके, तो एड्रेस एक अपने। बिल्कुल, टाटा हाउस, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सिटी कोतवाली के पीछे हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, जहां पर हम 1962 से लगातार गरीबों का निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। बहुत से पेशेंट साइकिल और पैदल से चलकर आते हैं जी, उनके पास खाने का पैसा नहीं होते हैं, हम उनके खाने की व्यवस्था, एक मंगलम होटल है जैन समाज का, उसमें हम व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कराते हैं, आने जाने का किराया देते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं।
पैसे नहीं रहते तो उनका किराया व्यवस्था बना के देते हैं ताकि वो घर पहुंच सकें और स्वस्थ हो सकें। तो आज भी हम मरते दम तक गरीबों का निःशुल्क उपचार करेंगे, ये हमारा मिशन है, संकल्प है, और संकल्प लेकर के हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा यही उद्देश्य है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरी सेवा है। तो भगवान के रूप में पेशेंट आता है, उनकी सेवा करते हैं, जब वो ठीक हो जाता है उनके चेहरे में मुस्कान देखिए आप, ईश्वर समान दिखेगा। तो मानव सेवा ही परमो धर्म। बिल्कुल। यही बोले, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित है, अपना इलाज कराना चाहता है, इलाज करा नहीं पाता, महंगे मेडिसिंस हैं, आप गुरुजी के पास में आइए, उनसे अपनी बात कीजिए। वैसे तो काफ़ी व्यस्त हैं, 15 दिन मुंबई में होते हैं तो 15 दिन छिंदवाड़ा हैं उनका कहीं, तो फिर भी उनके जो स्टाफ है वो आप लोगों की मदद करते ही रहते हैं, मदद करेंगे। और ऐसा ही मेरा कहने का है कि आयुर्वेद पर भरोसा कीजिए, और आयुर्वेद ही असली मेडिसिन है जो कि हमें किसी भी बीमारी से बचा सकता है। सो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप लोग जो भी कहीं से भी ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी गरीब लोग हैं या जो भी बीमारी से पीड़ित हैं, केस को लेकर तमाम चीज़ें की नी में प्रॉब्लम है, पेन है, मतलब कई वर्षों से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको जो वीडियो में जो पता दिया गया है वहाँ पर आइए और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।